वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ आप फ्लो, वेलोसिटी, प्रेशर, बहुत सारे पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए करते हो जब आपका फ्लूड किसी पाइप या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होकर के जाता है। तो जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में आपको शो किया हूँ, जो आपको इजिली दिख रहा होगा, और आपका फ्लूड कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आपका फ्लूड आगे की डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ। तो फर्स्ट सेक्शन में जो भी चीज़ होगा, मैं उससे अगर प्रेशर की बात करूँ तो फर्स्ट सेक्शन में मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, पी वन। वेलोसिटी हो जाएगा वी वन। ठीक है, डेंसिटी हो जाएगा रो वन। तो जितने भी पैरामीटर है फर्स्ट में वन 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 आ जाएंगे। सिमिलर सेकेंड में पी टू प्रेशर, वेलोसिटी हो जाएगा वी टू और डेंसिटी हो जाएगा रो टू। जितना भी चीज़ है हम उसे वन वन टू टू करके शो करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। और सपोज ये जो पाइप है उसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है। तो फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन, ये ग्राउंड लेवल से हाइट पे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जिस हाइट पे है उसका नाम मैं दूंगा Z1, और जो सेकंड सेक्शन जिस हाइट पे है उसका नाम मैं दूंगा Z2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा बर्नौली इक्वेशन। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन के टर्म में अगर इसे कहा जाए तो सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ और एनी टू सेक्शन। इसका मतलब है मैंने क्या क्या नाम दिया, मैं क्या क्या नाम दिया, मैंने प्रेशर हेड, डेटम हेड को ही पोटेंशियल हेड भी कहा जाता है, और काइनेटिक हेड। तो मैं ये बोल रहा था कि सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड इस कांस्टेंट। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन में अगर मैं प्रेशर हेड को भी कैलकुलेट करूं, डेटम हेड को भी कैलकुलेट करूं, काइनेटिक हेड को भी कैलकुलेट करूं और उसे एक वैल्यू के फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेक्शन में मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी उसे मैं एनर्जी के टर्म्स में ई लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ। फिर सेकेंड सेक्शन में मैं फिर से प्रेशर हेड कैलकुलेट करूंगा, डेटम हेड कैलकुलेट करूंगा, काइनेटिक हेड करूंगा और सबको जोड़ दूंगा। तो मेरे को सेकेंड सेकेंड सेक्शन का मेरे को एनर्जी मिलेगा E2। तो बर्नौली इक्वेशन कहता है कि सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड आर कॉन्स्टेंट। मतलब अगर आप फर्स्ट सेक्शन की बात करो चाहे सेकेंड सेक्शन की बात करो, इन तीनों का सम दोनों जगहों पे कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसे मैं फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रेशर हेड को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर हेड को हम इक्वेशन के टर्म्स में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात करें फिलहाल, तो प्रेशर हेड क्या होगा आपका, पी वन बाई रो वन जी, जहां पर पी वन है फर्स्ट सेक्शन का प्रेशर, रो वन है फर्स्ट सेक्शन से फ्लो होने वाले फ्लूड की डेंसिटी। तो जो फ्लूड यहाँ से फ्लो हो रहा है वही सेकेंड सेक्शन से भी फ्लो होगा, तो वहाँ पर भी डेंसिटी आपकी सेम होगी। ठीक है, और जी है आपका ग्रेविटी जो कि कॉमन है आपका। प्लस ये था आपका प्रेशर हेड की वैल्यू। डेटम हेड आपका क्या हो जाएगा, डेटम हेड हो जाता है आपका डेटम हेड आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ हाइट होता है। तो फर्स्ट सेक्शन किस हाइट पे है आपका, Z1 हाइट पे है, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया Z1। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक हेड को मेरे को लिखना है, तो काइनेटिक हेड आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, काइनेटिक हेड हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब चूंकि ये हेड है तो इसका यूनिट आएगा मीटर में। ठीक है, ठीक है,
इक्वल 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 के बाद मैं लिखूंगा फिर से वही प्रेशर हेड। अब मैं सेक्शन टू की बात करूँ तो पी टू इंटू रो टू जी, ठीक है, आ रहा बात समझ में, प्लस जेड टू, जेड टू क्या हुआ मेरा सेकंड सेक्शन की हाइट, प्लस सॉरी यहाँ पर वी वन था, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो हमारा बर्नौली इक्वेशन जो कहता है, हम उसी टर्म्स में अपना इक्वेशन को लिख दिए हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता था, सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड और काइनेटिक हेड इस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बोल रहा है तो मतलब फर्स्ट सेक्शन में जो आपका वैल्यू है वही आपका सेकंड सेक्शन में भी होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो वैल्यू प्रेशर हेड की फर्स्ट सेक्शन में है वही वैल्यू प्रेशर हेड की सेकंड सेक्शन में भी हो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक्चुअल में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सपोज आपको समझाने के लिए, फर्स्ट सेक्शन में प्रेशर हेड की वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो सेकेंड सेकेंड सेक्शन में प्रेशर हेड की वैल्यू आपकी कम ही होगी, ठीक है। उसे बैलेंस करने के लिए या तो आपका डेटम हेड का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, या तो काइनेटिक हेड का वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब ये लोग एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, अगर एक कम हुआ तो दूसरा उसे बैलेंस करेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेशर हेड जो फर्स्ट सेक्शन में है वही प्रेशर हेड आपका सेकंड सेक्शन में है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। जो डेटम हेड आपका फर्स्ट सेक्शन में है वही डेटम हेड आपका सेकंड सेक्शन में, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। और जो काइनेटिक हेड आपका फर्स्ट सेक्शन में है वही आपका सेकंड सेक्शन में है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। पूरे वैल्यू आपस में डिफरेंट है, पर अगर आप पूरे वैल्यू को जोड़े फर्स्ट सेक्शन में, प्रेशर हेड, डेटम हेड और काइनेटिक हेड तीनों वैल्यू को आप मान लो फर्स्ट सेक्शन पे जोड़े, और वैसे ही वही काम आप सेकंड सेक्शन में भी किए, सेकंड सेक्शन में भी आप सेम काम किए, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड को जोड़े, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये कहता है आपका बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, आप एक चीज और समझो, ये था आपका थ्योरेटिकल केस, थ्योरेटिकल केस था, मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े से लॉसेस होंगे, ठीक है। अभी ये जो मैं इक्वेशन आपको बना दिया हूँ, इक्वेशन में आपको बना करके दिखा दिया हूँ, तो जो फर्स्ट सेक्शन और जो सेकंड सेक्शन है ये एक्चुअल में फर्स्ट सेक्शन में फ्लूड की एनर्जी को शो कर रहे हैं और सेकंड सेक्शन में फ्लूड की एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो क्या मैं इन्हें इवन इवन इक्वल टू ई टू लिख सकता हूँ, इवन इक्वल टू ई टू लिख सकता हूँ। अब ये इवन इक्वल टू ई टू क्या शो कर रहा है, इवन शो कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में एनर्जी, ठीक है, इवन शो कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में एनर्जी, है ना, और ई टू क्या शो कर रहा है सेकेंड सेक्शन में एनर्जी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये तो बात हो गई थी आपकी थ्योरेटिकल केस की, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में भाई हमारा जो फ्लूड यहाँ से एंटर किया वो इवन एनर्जी के साथ एंटर कर रहा है, इवन एनर्जी के साथ एंटर कर रहा है, जो मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ नीचे में, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉस नहीं होगा इस दौरान, लॉसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस। तो फ्रिक्शन लॉसेस के कारण जो आप जो ई टू की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जितनी आएगी उतनी नहीं आती है, उसके साथ में, इसके साथ में आपको लॉसेस भी देखने को मिलते हैं, इसके साथ में आपको लॉसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये लॉसेस के साथ आता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये था आपका बर्नौली इक्वेशन।